इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, आईएएस राजीव कुमार यूपी के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, राजीव कुमार 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केंद्र में शिपिंग सेक्रेटरी थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में भेजा है। आईएएस है राजीव कुमार यूपी के नए मुख्य सचिव। सूत्रों से यह जानकारी, फिलहाल इनके बारे में आपको बताएं तो 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केंद्र में शिपिंग सेक्रेटरी थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश काडर में भेजा है। मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे हैं राजीव कुमार और अब जल्द उन्हें इस पद पर बिठाया जा सकता है। आईएएस राजीव कुमार यूपी के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। अनुराग चड्ढा में और जानकारी देंगे। अनुराग, सूत्रों से जानकारी है कि आईएएस राजीव कुमार यूपी के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यूपी के नए मुख्य सचिव राजीव कुमार हो सकते हैं। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तो तभी से ब्यूरोक्रेसी को लेकर केंद्र और यूपी सरकार में काफी खींचतान नजर आ रही थी, लेकिन जब ये मामला मीडिया तक पहुंचा तो काफी हद तक खींचतान कम हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी के मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो राजीव कुमार के अलावा दो नाम और चल रहे थे, नीरज गुप्ता और अनिल स्वरूप। ये तीन ऐसे आईएएस अधिकारी थे जो यूपी में अपनी ताल ठोक रहे थे, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं उन्होंने ये बात बताई है कि राजीव कुमार को केंद्र सरकार कभी भी रिलीज कर सकती है और वो उत्तर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिपिंग मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार और जल्द ही उन्हें इस पद पर बिठाया जा सकता है। 1981 बैच के आईएएस अधिकारी।